हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है, मेरे पास एक इरिडेशन शार्कफिश बहुत दिन से है और ये जो इरिडेशन शार्कफिश है ये बहुत दिन से जितनी बड़ी मैं पहले लाया था वो अभी भी उतनी ही बड़ी है। ये इतने दिन में उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, या फिर ये जो फिश है ये एकदम ही ग्रो नहीं कर रही है। ऐसा आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था कि मेरी जो इरिडेशन शार्कफिश है इसका जो ग्रोथ है वो एकदम ही स्टॉप हो गया है और ये एकदम ही ग्रो करना छोड़ दी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि इसका जो ग्रोथ है उसको मैं बूस्ट कर पाऊँ या फिर उसका जो ग्रोथ है उसको मैं बढ़ा पाऊँ। तो आज का वीडियो कम्प्लीटली इरिडेशन शार्कफिश का ग्रोथ के ऊपर में है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इरिडेशन शार्कफिश के ऊपर। इरिडेशन शार्कफिश जो होती है वो एक कैटफिश फैमिली से है, इसलिए इरिडेशन शार्कफिश का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से होता है। आप नॉर्मली इरिडेशन शार्कफिश को फिश शॉप में 2 इंचेस का बिकते हुए देखे होंगे और ये 2 इंचेस का जो इरिडेशन शार्कफिश है 2 इंच से 1 फीट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो होता है इरिडेशन शार्कफिश के लिए वो है टैंक साइज। बहुत लोग यहीं पर ही गलती करते हैं, अपने टैंक का जो साइज है उसको बहुत ही ज्यादा छोटा रखते हैं। टैंक जितना ही ज्यादा छोटा होगा उतना ही आपकी कोई भी फिशेस क्यों ना हो, छोटे टैंक में कोई भी फिश का ग्रोथ जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इरिडेशन शार्कफिश के ऊपर। इरिडेशन शार्कफिश जो होती है वो एक कंटिन्यूअसली स्विमिंग फिश होती है। ये कंटिन्यूअसली अगर आप इसको देखिएगा ये कभी भी शांत से कहीं एक जगह में बैठे हुए आपको नहीं मिलेगा। ये फिश को आप हमेशा देखिएगा ये हमेशा ही कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इसलिए इस फिश को जो टैंक साइज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए। अगर आप इस फिश को एक बहुत ही छोटे टैंक में रखिएगा तो इस फिश का जो साइज है वो ऑब्वियस है बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। इस फिश को बहुत ही बड़ा टैंक का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ये फिश का जो ग्रोथ है वो भी बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस फिश का जो टैंक साइज है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर आप अपने टैंक का साइज 1 फीट 2 फीट या फिर 3 फीट भी क्यों ना हो, और अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा जो इरिडेशन शार्कफिश का ग्रोथ है वो क्यों नहीं हो रहा है, इसका जो रीजन है ये यही है कि आपका जो टैंक है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर आपकी इरिडेशन शार्कफिश 2 इंच की है 3 इंच की है और अगर आप अपने 3 फीट का टैंक में रखे हैं तब ठीक है, उस टैंक में इरिडेशन शार्कफिश आराम से 3 मंथ्स तक रह लेगी। लेकिन 3 मंथ्स के बाद वो जो 3 फीट का टैंक है उसके लिए वो छोटा पड़ जाएगा। उसके बाद आपको उससे भी ज्यादा बड़ा टैंक चाहिए होगा। अगर आप उसको उससे भी ज्यादा बड़ा टैंक नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तो इरिडेशन शार्कफिश का जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अगर इरिडेशन शार्कफिश का नॉर्मल अगर आप साइज देखिएगा तो वो 1.5 से 2 फीट तक हो जाती है कभी कभी। वही अगर आप अपने छोटे से टैंक में इरिडेशन शार्कफिश रखिएगा, ज्यादा स्पेस नहीं दीजिएगा, तो उस टाइम पे इरिडेशन शार्कफिश का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। जहां नेचुरल एनवायरमेंट में 2 फीट तक हो सकती है वहीं अगर आप अपने टैंक में उसको रखिएगा तो मैक्सिमम अगर आप अपने टैंक में उसका साइज देखिएगा वो 1 फीट ही रहेगा। उसके साथ ही साथ अगर इरिडेशन शार्कफिश को देखिएगा नेचुरल एनवायरमेंट में वो इजिली 15 से 20 इयर्स तक जी लेती है, लेकिन वही अगर आप एक छोटे से टैंक में इरिडेशन शार्कफिश को डाल के रखिएगा तो वहां पर वो जो फिश है बहुत ही मुश्किल से 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स से 4 इयर्स तक ही रह पाएगी क्योंकि आप उसको हेल्दी एनवायरमेंट नहीं दे रहे हैं जिसके वजह से उस टैंक में वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ऐसा करना फिश के लिए बहुत ही गंदा टॉर्चर होता है। आप अपने छोटे से टैंक में इरिडेशन शार्कफिश को मत रखिए क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा वीडियोस देखता हूँ जहां पर वो लोग जो टैंक होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, 2 फीट का टैंक होता है, उसमें वो लोग 1 फीट का इरिडेशन शार्कफिश डाल के रखे, वो बेचारी उसमें सही से स्विम नहीं कर पा रही है, सही से अपने आप को टर्न नहीं ले पा रही है, लेकिन क्या करे वो उसमें ही है। वो ओनर जो वो बहुत हैप्पीली बोलते हैं ये फिश जो है ये मेरे पास 2 साल से है वगैरह वगैरह, ये एकदम ही गलत है। इरिडेशन शार्कफिश को हमेशा ही आप अपने बड़ा टैंक प्रोवाइड कीजिए। अगर आप बड़ा टैंक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो कुछ दिन तक ही अपने इरिडेशन शार्कफिश को अपने साथ रखिए। जैसे ही वो बड़ी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो आपको अब लग रहा है कि ये टैंक के लिए छोटी पड़ रही है, तब आप वैसे ही उस फिश को आप फिश शॉप में दे दीजिए, फिश शॉप वाले उसको वापस सेल कर देंगे, या फिर उस फिश को बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू वाले होते हैं, फिश रेस्क्यू करने वाले, वो लोग को दे सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो लोग फिश को रेस्क्यू करते हैं, तो वो लोग को भी आप दे सकते हैं। उस इरिडेशन शार्कफिश को किसी भी पॉन्ड वगैरह, पॉन्ड या फिर लेक वगैरह में मत छोड़िएगा। इससे क्या है, क्योंकि ये जो इरिडेशन शार्कफिश है वो अपनी इंडिया की नहीं है, वो थाईलैंड की है, तो इसलिए उस फिश को कभी भी लोकल पॉन्ड वगैरह में मत छोड़िएगा। वो हो सकता है आपका जो
जो भी पॉन्ड है उसका एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर दे। इसलिए बेटर यही है, इरिडेशन शार्कफिश को बाय मत कीजिए। लेकिन अगर आप इरिडेशन शार्कफिश को बाय कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक उसको अपने टैंक में मत रखें। जैसे ही उसका जो साइज है आपके टैंक के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है तो उस फिश को वापस कर दीजिए, ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको शौक है तो तभी मैं बोलूंगा इरिडेशन शार्कफिश को बाय कीजिए, वरना बाय मत कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है जब भी हम लोग कोई फिश को रखते हैं तो उस फिश के साथ एक लगाव हो जाता है, उसको फिर वापस देना अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है, इसलिए मुझे इरिडेशन शार्कफिश बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन बस इसी रीजन से मैं इरिडेशन शार्कफिश को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उसको उतना बड़ा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो मेरा रिप्लाई है वो हमेशा की तरह इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।